रायपुर में पिछले 5 दिनों से आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं कार्यकर्ताओं ने दिन भर विधानसभा का घेराव किया, साथ ही विधानसभा से आवाजाही को रोक दिया था। कार्यकर्ता भर्ती नियमित करने और वेतन संबंधित 8 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं और उनकी मांगे पूरी न होने पर उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। शासकीय कर्मचारी घोषित करे और जब तक शासकीय नहीं करती है हमको जीने लायक वेतन दे। सुपरवाइजर भर्ती में वरिष्ठता कम पर 100% कार्यकर्ता को ही ले और 25% बंधन को हटाते हुए सहायिकाओं का उनको कार्यकर्ता पद पर 100% ले। मिनी आंगनबाड़ी को आंगनबाड़ी में संविलियन करे क्योंकि काम हम सब बराबर कर रहे हैं तो बराबर काम का बराबर वेतन मिलना चाहिए सबको। इस तरह हम अपनी 8 मांगे लेकर हड़ताल पर बैठे हैं और सरकार की तरफ से हमारी अभी तक कोई पहल नहीं हुई है, इसलिए आज भी हमें इस 5वें दिन भी इस मैदान पर बैठना पड़ रहा है। आज विधानसभा घेराव है, हमारी पूरी छत्तीसगढ़ की कार्यकर्ता सहायिकाएं आज यहाँ उपस्थित हैं और आज जितना हो सके हम लोग विधानसभा घेराव करके वहाँ तक पहुँचने की कोशिश हमारी भीड़ करेगी और आने वाले समय में आज भी अगर हमारे प्रशासन तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती है तो आने वाला समय के लिए हम लोग उग्र रूप लेंगे और इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ फिर मैदान में उतरे।